नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ में हूं राकेश। और खबरें विस्तार से, बिहार में बढ़ते संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। दुकानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है तो एक अभी किया गया है, लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज को देखने के बाद फिर बैठ करके। बिहार में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोविड से बचाव के मानकों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि सभी एसडीओ को सरकार की ओर से जारी आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इसका अनुपालन एसडीओ द्वारा गठित टीम और थानाध्यक्ष कराएंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने कहा कि रामनवमी जुलूस, नदी तालाबों में चैती छठ पर्व पर रोक लगा दी गई है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को लगभग 7 महीने बाद राज्य में कोरोना के 2,174 नए पेशेंट एक दिन में मिले। सिर्फ राजधानी में बीते दिन 661 कोरोना मरीज मिले हैं। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती 11 मरीजों की मौत हो गई है। सासाराम के चिनारी के हितेत्री गांव में कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर ग्रामीणों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बार बला में जमकर ठुमके लगाए। आपको ये बता दी चले कि सिर्फ ठुमका ही नहीं लगा, पंचायत प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में झूमते देखा गया। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और न ही मास्क दिखा। आपको बता दें कि जिले में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग एहतियात नहीं बरत रहे। यहां तक कि जिला प्रशासन ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, लेकिन इसका कोई खास असर लोगों के बीच नहीं देखा जा रहा। मधुपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जनता से किए सभी वादों को पूरा किया है। इस दौरान मधुपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 14 अप्रैल तक मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनको मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। हमने नहीं वादा किया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से पकड़ के लाते थे अपने गांव में हम पहुंचाएंगे, लेकिन हमने वो काम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमने कोई भेदभाव नहीं देखा। कहा थे ये लोग। देवघर के मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। यहां जेएमएम और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। आपको बता दें कि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सांसद निशिकांत दुबे प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने जनसंपर्क के दौरान निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। प्रत्याशी के साथ में दौरा कर रहा हूँ, लगा भाई 8वां गांव में घूम रहा हूँ, बेबी तपस्या सब गांव में जाना, पूरे हिंदू समाज बोलबंद हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पूरा हिंदू समाज ने तय कर लिया है इस बार गंगा सिंह जीताना है, कमल को खिलाना है। क्या हिंदू कार्ड खेल रहे हैं आप? हिंदू कार्ड हम लोग क्यों खेल रहे हैं? हिंदू कार्ड जेएमएम खेल रहा है, उन्होंने मुस्लिम